टर्म्स आ जाएंगे। लो यार मैं लिख देता हूँ दोबारा, कुछ इस तरह की चलो टर्म्स आ गई। अब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं सर। वेरी गुड, कॉमन लेते हैं। कैसे लेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन लूं? सर सर एक्स और टू सोच समझ के आंसर लिख लेते हैं। सर इसमें आ गया एक्स प्लस का टू, इसमें क्या आएगा सर? इसमें सर रिपीट हो जाएगा वो चीटिंग वाला। चलो चीटिंग वाला, वेरी गुड। अब बताओ इधर क्या आएगा सर? अगर तुम बोल रहे हो मुझसे कि यहाँ 5x लिख दो, तो ये 5x स्क्वायर हो गया, स्क्वायर थोड़ी है, तो केवल क्या है सर? 5 है ना, तो बस 5 आ गया ना, केवल 5 आएगा। सर 5 का इनटू 2 से इंटेंसिटी आएगा सर 10 5, हां तो आएगा ना। मतलब कुल मिला के जैसा ये निकेश वाला x + 2 इधर भी आ गया, x + 2 फिर क्या लेना है? 5 लेना है, ताकि ये दोबारा रिवर्स में चेक करके बनाओ। ये बन रहा है बिल्कुल, बन रहा है 5 * x 5x 5 * 2 10, तो बिल्कुल अपने सही है। इसके बाद लास्ट टाइम है, अब क्या है? दोनों ब्रैकेट क्या हो गए? दोनों सर एक प्लस सेम बन गए, सर x प्लस 2 दूसरा आएगा सर x प्लस 5। वेरी गुड, यहां तक सफिशिएंट है, लेकिन इसके आगे ही मैंने सिखाया है। क्या करते हैं सर? अच्छी बताइए, चलो बताओ। फैक्टराइजेशन हो गया, तो मुझे तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये x की दो वैल्यूज निकलेंगे, बताओ क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, तुम लोग बताओ सर। वो क्या हो रहा है सर? वैसा कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते सर। यहाँ से प्लस 2 आ जाके माइनस 2, इसके अंदर क्या आ गई? लेकिन ये सब खाएगा था बोलोगे तुम यार ये तो बहुत ही आसान है। पहले देख लो ये किसकी है, डिग्री 3 की, 4 degree 3 वाली नोमियर, ठीक है। क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं x³ + x² + x + 1। चलो नितेश बताएगा डिग्री क्या है? डिग्री 3 है सर। पॉलीनोमियल है कि नहीं? पॉलीनोमियल है ना सर। क्यों है सर? x, हाँ तो वो सर x तो फिर लीनियर इक्वेशन भी x में होती है, उसका एक रीजन होता है पॉलीनोमियल। 3 2 1 0 1 के आगे मैं x की पावर 0 लिख के लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। x की पावर 0 इज ऑब्वियसली 1 है ना, और इसके x के ऊपर लिख दिया है 1, तो 3 2 1 0 जहां भी तुम्हें सीक्वेंस मिल रहा है उल्टे में, दैट इज नोन एज पॉलीनोमियल। और x है वो भी तुमने सही कहा था, x तो रहनी चाहिए। चलो आगे बढ़े, देखो डिग्री 3 कंफर्म हो गया, तो पॉलीनोमियल फैक्टराइजेशन नहीं होगा इस वाले में। फैक्टर देखो, फैक्टर्स में तो बांट नहीं है ऐसे, तो हेडिंग तो यही आएगी फैक्टराइज, लेकिन इसको इसमें फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा, क्योंकि डिग्री अगर ऐसा होता तो क्या लगाते बताओ? सर ये सब वो ए टू सी वाला लगा। हाँ क्यों, रीजन डिग्री 2 है। वेरी गुड, यही तो समझ में आ। अब क्या हुआ सर? डिग्री क्यों आ गई? डिग्री 3 आ गई, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे? देखो इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, मेनली दो ही होते हैं। कितने? दो। अब देखो दो मेथड में इसको ध्यान से देखना, ये वाले में बोलते हैं नहीं बहुत ईजी है, एक होते हैं टब वाले, तो टब वाले को बाद में समझेंगे, नहीं ईजी वाले समझो। देखो उसमें तुमने फैक्टराइजेशन में क्या करा था लास्ट स्टेप में? कॉमन लेते थे, सेम बनाते थे, बस वो यहाँ करना। तो एक मेथड ये हो गया, देखो कैसे x³ + x² से क्या कॉमन आ रहा है अभिषेक? x² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? x बच गया, यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया। x और x प्लस 1 में से क्या कॉमन आ रहा है? x के साथ x का 1 आ रहा है ना, इसके साथ x का आ रहा है कॉमन, कहाँ दिख रहा है तुम्हें 1 के साथ x? उसने बोला 1, 1 क्यों बोला? क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1 अंदर क्या बचा? x प्लस 1। दोबारा करते हैं, नहीं समझ आया हो देखो। सबसे पहले ये कौन सा डिग्री 3 वाला है, तो इसमें मैंने बोला है दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, ये है सिंपल वाला, ये उसका आधा वाला है जो फैक्टराइजेशन का है ना, उसके आधा स्टेप का ही है, ठीक है। x³ और x² से क्या कॉमन लिया मैंने? x अंदर से बचा x + 1, चीटिंग, ठीक है। x + 1 से यहाँ लिख दिया,
इसको क्या लाना है अपन को, वन लाना पड़ेगा तभी ये आएगा, या फिर कॉमन भी क्या ही लेंगे जैसा कि उसने कहा वन ही लेंगे, तो वन कॉमन ही लिया अंदर एक्स प्लस वन से, दोनों ब्रैकेट क्या आ गए सेम, वेरी गुड। तो आंसर आया एक्स प्लस वन, यहाँ से आया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आएगी इंटरेस्टिंग चीज, डिग्री कितनी है थ्री, तो एक्स की वैल्यूज भी कितनी होनी चाहिए थ्री, देखना कैसे। अब देखना तीन वैल्यूज आएंगी, पहले तो मैंने ये बात हमेशा याद रखना डिग्री थ्री तो एक्स की वैल्यूज भी कितनी थ्री थ्री। देखो अब आएगी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो प्लस वन बचा के एक्स की वैल्यू एक तो क्या आ गई, अभी तो एक ही आई है, कितनी और बची दो। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू प्लस वन बचा के माइनस वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई रूट ऑफ माइनस वन, और रूट में हमेशा चीज़ याद रखना प्लस माइनस दो वैल्यूज होती हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे मैं ऐसा बोलता हूँ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल ट्वेंटी फाइव, तो तुम लोग अभी तक तुमने इतना ही पढ़ा है, जवाब नहीं लगाया, तुम लोगों ने बस ये पढ़ लिया कि एक्स की वैल्यू भी रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव स्क्वायर का में बदल जाता है रूट में, तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाती है फाइव, वहाँ से एक मिसिंग रहती है तुम्हारी वैल्यू, ये तो फाइव है लेकिन एक्स की वैल्यू माइनस फाइव भी तो हो सकती है, अभी सोचा तुमने माइनस फाइव का स्क्वायर क्या होता है, माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव क्या मिल रहा है सर, प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब रूट ट्वेंटी फाइव की कितनी वैल्यूज हैं तुम्हारे पास दो, तो यहाँ से रूट की कितनी वैल्यूज आ गई दो। तुम्हें तो ये करना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें वादा करना है क्वेश्चन खत्म, लेकिन मेरा फर्ज है बताने का, टेंशन पूरा काम आएगा ठीक है, इतना करना बस ये फैक्टराइजेशन खत्म है तुम लोगों का ठीक है, इसके आगे मत करना डिग्री थ्री में भी, लेकिन करते हैं ऐसे एक्स प्लस वन क्या हो जाता है जीरो, एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है माइनस वन, ये तो तुम्हें अच्छे से आई है, ये वाला बस थोड़ा टिपिकल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या आ गया जीरो प्लस वन आ जाके माइनस वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। अब स्क्वायर का हमेशा क्या होता है नीतेश रूट, रूट याद रखना एक्स स्क्वायर कितना है थर्टी सिक्स है, तो एक्स की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी सर थर्टी सिक्स, रूट थर्टी सिक्स क्या होता है देखो x स्क्वायर इक्वल 36 है, x की वैल्यू आ जाएगी 36, वेरी गुड x की वैल्यू आ जाएगी 6, लेकिन अब तो हमें एक और वैल्यू याद रखनी चाहिए माइनस का भी 6, तो यानी x इक्वल टू जब भी रूट 36 हो तो एक तो x इक्वल टू 6 आएगा, दूसरी वैल्यू क्या आएगी माइनस 6। तुम खुद ही सोचो x की पावर डिग्री कितनी है, होने को पॉलीनोमियल ये भी है डिग्री कितनी है टू, रूट्स कितने आने चाहिए टू, लेकिन अपन नजरअंदाज कर देते हैं माइनस 6 को बेचारे, है ना, तो उसको भी ले लो साथ में, तो x की दो वैल्यूज आ गई एक 6 और एक माइनस 6, जैसे कभी कभी होता है ना लंबा क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट में आ गए तो बच्चे ये लेके आते हैं एक्स बटो सिक्स, तो बोलते हैं आधे मार्क्स के ऊपर आधा मार्क टीचर काट लेता है कि तुमने एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स, तो ये चीज़ है ठीक है, तब से याद रखना नोट कैसा होता है, मतलब क्या ये रूट कैसा होता है, मतलब ये रूट कर रहा है ये 36, अच्छा ये रूट नहीं था तुम्हें, तो बहुत वैसी बात पूछी तुमने, रूट 36 36 का एलसीएम ले लो अच्छा तो मैं नहीं सिखा शर्म में तुम लेट आ रही है लेट आ टू नाइन जा टू नाइन जा एटीन थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री, देखो रूट के अंदर कितने नंबर है टू टू थ्री थ्री टू इंटू थ्री इंटू थ्री थ्री, मतलब रूट एटी रूट थर्टी सिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दो कितनी बार है सर एक पेयर बन जाएगा, वेरी गुड एक पेयर बन जाएगा बारह जाएगा, तीन कितनी बार है दो बार, एक पेयर बन जाएगा बारह जाएगा, थ्री टू जा क्या आ गया सिक्स, बस इसने जैसे मन से ही बोल दिया और कायदे से तुम लोग अब आ गए नाइन्थ में, तो मतलब रूट्स रटे नहीं चाहिए सर, वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर थ्री का नाइन फोर का सिक्सटीन फाइव का ट्वेंटी का जैसे वो टेन का हाँ अब तो टेन रखा ऐसे रूट का देख लो रूट हंड्रेड रूट हंड्रेड टेन रूट एट्टी वन हाँ ये तो बहुत बड़ी वाली रूट एट्टी वन नाइन रूट सिक्सटी फोर रूट सिक्सटी फोर एट ठीक है रूट फोर्टी नाइन ऐसे तो हमें मतलब याद आ रहा है ना सर कोई चीज़ में याद आता है, किसी के भी रूट्स और किसी के भी स्क्वायर्स तो मैं आपको टेंथ तक तो मिनिमम है सेवेंथ को अच्छे तक को याद रहते हैं, तुम भी याद रखो ठीक है ना, और बस ऐसे ही करना इसको नोट कर ले डिग्री थ्री वाला सर, मतलब ये यहाँ पे सॉल्व हो गया हाँ ये तो सबसे मैं ये तो कह रहा हूँ डिग्री थ्री वाला बहुत ईजी है, डिग्री टू से कह रहा था ना फैक्टराइजेशन काफी ईजी दो हाँ, इस तरह क्वेश्चन के लिए अब कभी कभी क्या होता है देखो समझ लो उसमें अच्छी बात कभी कॉमन नहीं मिला,
कॉमन नहीं मिल रहा सर, क्या ऐसे करोगे तुम जबरदस्ती? एक लेना पड़ेगा सर, फिर मैं बताऊंगा क्या मैटर लगे। कॉमन तुम्हें नहीं मिलेगा, इधर आ गया x प्लस टू, मैंने बोला ना चीटिंग से लेकर सेम आना ही चाहिए, नहीं आया तो फिर वो बड़ा वाला लगाना पड़ेगा। अभी आ गया ना, अभी कोई दिक्कत नहीं, तो नोट कर लो ऐसा है। सर नोट करो, चलो फैक्टराइज करो और नोट्स निकालो। इजी है, आई नहीं आती अभी, आंसर नहीं, थोड़ी सी नहीं होती है, पूरी होती है या आधी होती है? साइन देखो, तुम्हें देखो साइन तो ये चीज है कॉमन। देखो तुम्हारे को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चीटिंग वाला है तुम्हारे केस, दोनों लगे क्या नहीं चाहिए कैसे भी कुछ ना कुछ हाँ। अब देख लो, अब तुम दिमाग लगाओ, बिल्कुल सही पकड़ा रहे तुम कि x माइनस टू आना चाहिए। अब दिमाग लगाओ कैसे भी लगाओ, इसका वन आएगा सर इस साइड। अब सोचो इन लोगों को भी करो, करो तुम भी करो, दिमाग लगाओ इस साइड कुछ है नहीं ना, रिवर्स स्टेप चेक कर लो ना, रिवर्स सिखाया मैं तुम्हें अच्छे से, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवाया। चलो देख क्या रहता है, सही है कि नहीं देखो। अब इधर बोर्ड पे देखो, नहीं आ रहा हूँ, देखो ये क्या है x क्यूब, ये क्या है x स्क्वायर, क्या इसके साथ टू है तो कॉमन आएगा टू, नहीं आ पाएगा, क्या कॉमन आएगा केवल ले लो x स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ क्या बचेगा x की वैल्यू बचेगी माइनस, यहाँ से पूरा ही x स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास क्या बचा बताओ अभिषेक? टू, ये टू ठीक है ना। चलो अब वही चीटिंग, x माइनस टू है, दोबारा क्या बनाना है जबरदस्ती x माइनस टू, बताओ इधर इधर क्या आएगा, ये मेन चीज़ है, यहाँ क्या माइनस वन की वापस ही आ जाए, बिल्कुल सही, यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस वन, जब माइनस वन लिखेंगे तो निकेश क्या हुआ, माइनस वन इंटू एक्स क्या बन गया, माइनस वन इंटू माइनस टू क्या बन गया, प्लस टू, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दोनों ब्रैकेट क्या आ गए सेम, तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। डिग्री कितनी थी, रूट्स भी कितने आएंगे, थ्री, एक्स की वैल्यू एक आ गई प्लस का टू, दो वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी। अब देखो, अब मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी सिखाई थी, पहले तो इतना यहाँ तक सफिशियंट है, लेकिन एक्सप्रेशन ये सही आ रहा है, देखा, बस ये चीज करनी है, कॉमन लेना है और चीटिंग करके रियल इतना और रिवर्स टच चेक कर। अब सुनो मेरी बात, यहाँ तक सफिशियंट है, पूरे तीन नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ है देखो, मैंने तुम्हें सिखाई थी, रटवाई थी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद है क्या आपकी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, ये सबसे सस्ती वाली थी, वो मैंने तुम बहुत तो तुम्हें रटी होगी, ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो तुम लोग सुनाई देते हो, मैं ये तीसरी वाली कह रहा हूँ, चेक करो अच्छे से, दोनों सर स्क्वायर है, रजिस्टर में चेक करो, मैं लिखवा रही हूँ सर, ये यहाँ से एक बार रिपीट कर दो सर, इतना नहीं आता उसमें नहीं सर, वो x वाला अकेला कंफ्यूजन कर रहे हैं, x क्यूब और x स्क्वायर से क्या होगा सर, देखो मैं बता रहा हूँ, ये x स्क्वायर कॉमन लिया था ना वहाँ से, वो x स्क्वायर यहाँ पे x थ्री बच रहा था तो हमने x अकेला लिया, देखो ये ऐसा है, x क्यूब का मतलब कितना x है,
दोनों में से ये मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बचा? तीसरी वाली आइडेंटिटी ये पूछ रहा था शिवानी। चलो अब बताओ मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? सर माइनस का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं कह रहा हूँ ना फैक्टर्स भी तीन बटने चाहिए, तो ये हो गया एक्स माइनस टू, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गई, तो यहाँ से क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? सर वही मेरे पास आ गया एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, नहीं समझ आया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए सिंपल, और नहीं लिया समझ इधर जैसे लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम्हें करना ही नहीं है क्योंकि तुम्हें इतना ही छोड़ना है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ये फाइनल अच्छे से कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया है, किसका? डिग्री थ्री वाले पॉइंट का। आ गया आदित्य को, आ गया अभिषेक को, आया नितेश को, अरे केवल एक आइडेंटिटी लगानी है और कुछ नहीं है, नहीं लगा कॉमन लेके ये आइडेंटिटी लगानी। हाँ और ये आइडेंटिटी अब तुम पूछोगे पिछले बार में तुमने लगाई पिछले क्वेश्चन में, उसमें थी नहीं ऐसा कुछ, उसमें क्यों नहीं? हाँ नहीं उसमें इसका मैंने बीच का नहीं था, देखो अभी देखो इसमें मुझे बताओ कहीं भी तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसकी तो आइडेंटिटी होती नहीं, इसकी हमने इसमें लगा दी है इसकी आइडेंटिटी काम में होती है, पहले मैं ए स्क्वायर और एक भैया सा एक चलाते वाला सॉन्ग है ना उसके और उसके साथ में एक बंदना उसके भैया से उसने गाना गिटार लगाया है, वो गिटार वाला नहीं है वो दूसरा वाला है, वो गिटार वाले ही दूसरे थे वो तीन सेकेंड आ गया बहुत अच्छे सारे स्कूल में आए चलो एक क्वेश्चन नोट हो गया कोई बात नहीं, टफ की कमी क्वेश्चन आएंगे इतना नहीं आएंगे, जब तक मेन वो डिग्री टू वाला कर लो तब अच्छे से। चलो इसका करो पहले बेसिक मेथड से डिग्री थ्री है, ठीक है चलो देखो नितेश को नहीं आया बाकी दोनों का आ गया, तो क्या करना बाई टू बाई यहाँ पर क्या है बाई स्क्वायर, तो तुमने कॉमन क्या लिया ये तो लिखा है तुमने उसके बाद से सब कर दिया, टू बाय आएगा अंदर प्लस का क्या आएगा तुमने कहा अरे तो वो पूरा क्या बचा तो और रिवर्स चेक करके देख लो ऐसे नहीं आ रहा, बाईस पर इंटू टू बाय क्यू बाईस पर इंटू वन बाईस पर यही चीज़ है, रिवर्स चेक करना जरूरी है, ठीक है अब टू बाय प्लस का मैं क्या यहाँ पे लिखेंगे
बताओ क्या लग रहा हूँ साइन सर इधर माइनस वन लगेगा वेरी गुड माइनस वन लगेगा रिवर्स चेक करो मेरे को सही है तो माइनस वन टू है माइनस टू है तो फाइनल आंसर ये दोनों ब्रैकेट कैसे आ गए सेम आ गए चलो तीनों गलती वाला क्या क्या करी इसने साइन की करी किसने क्या गलती करी सर मेरे अफसर को लास्ट में हुए इसने भी साइन कुछ करी थी गलती वो सर वाई माइनस वन कर दिए दोनों ऊपर वो ये गलती करी हो तुमने तुमने तो गलती करी माइनस की गलती और प्लस हाँ वो ही गलती तो समझ आ गया इसने मिस्टेक करी तुमने ये तो मैं इसने ये नहीं करती कि इसने गलती करी ऐसे समझ नहीं आया तो कर दी इसने मिस्टेक हो ही फालतू ये मत करना प्लस माइनस की मैथ्स में बहुत गलतियाँ होंगी तुम्हारे बिल्कुल ध्यान देना से करो ठीक है और इधर वन इधर बाईस पॉइंट में आया तुमने लिख दिया टू वाई लिख दिया बाईस पॉइंट में पूरा बाईस पर क्या ले लिया कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर